आप देख रहे हैं किश्तवाड़ क्राउन और मैं हूं आपका होस्ट तौसीफ रायपाक। जब जब सरकार डेवलपमेंट की बातें करती हैं, यहां जो यहां की मकामी जब एडमिनिस्ट्रेशन की मैं बात करूं, जब वो यहां की डेवलपमेंट की बात करती है, यहां के जब इनके बांग बुलंद दावे जो है बड़े बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नजर आता है, जब उसकी हकायक जानने की कोशिश करते हैं तो वो जमीनी सतह पर खोखले साबित होते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं किश्तवाड़ के कंट्रेक्टर एसोसिएशन किश्तवाड़ की। आज उन्होंने प्रेस वार्ता की है, उस प्रेस वार्ता में उन्होंने यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन और मरकजी सरकार और यहाँ की गवर्नर इंतजामिया को आड़े हाथों लिया है। इन्होंने कहा कि कंट्रेक्टर्स अपना जितनी भी उसके पास बची जो भी बचा खुचा होता है वो अपनी ठेकेदारी में लगाता है, उसके बाद जो है यहाँ के जो जितने भी डिपार्टमेंट से जो उनसे काम लेता है वो उनको वक्त पर पैसा वागुजार नहीं करता है। तो उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की है जिससे उन्होंने सभी डिपार्टमेंट्स को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि हमारे जितने भी ठेकेदार हैं उनकी जल्द से जल्द बिल्स बनाए जाएं, नहीं तो आने वाले वक्त में हम एक बहुत ही ज़बरदस्त एहतजाज करेंगे जिसकी जिम्मेवारी यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन एलजी इंतजामिया और मरकजी सरकार की होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ ये बता रहे हैं आइए आपको सुनवाते हैं। आज कंट्रेक्टर एसोसिएशन की एक छोटी मोटी मीटिंग का इनका हमने यहाँ किया था दफ्तर में। तो आज जो ठेकेदारों के मसले जो हैं काफ़ी ज़्यादा हैं, चाहे वो पीडब्ल्यूडी का डिपार्टमेंट हो, चाहे पीएमजीएसए का हो, चाहे आरईडब्ल्यू का हो, चाहे बड़े मौके में यहाँ किश्तवाड़ में जहाँ ठेकेदार हमारे भाई काम करते हैं। तो पिछले दिनों हमने ठेकेदारों ने एक यूनानी मसली जनरल सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट का यहाँ मतलब आरजी एसोसिएशन का इंतखाब हुआ था यहाँ पिछले दिनों। अब आने वाले दिनों में हम इसकी एक एग्जीक्यूटिव बॉडी बनाएंगे, कुछ वाइस प्रेसिडेंट इसमें होंगे, सेक्रेटरीज होंगे, केशर वगैरह, और मेंबरशिप ड्राइव भी इसमें होगा कंट्रेक्टर एसोसिएशन का। तो आने वाले दिनों में वो होगा, लेकिन साथ साथ में हम सरकार से एलजी सरकार से और मुकामी एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करेंगे, यहाँ आरडीडी डिपार्टमेंट जो है उसका जो रोल हमारे काफ़ी ज़्यादा शिकायतें आ रही हैं, उनका जो रोल है वो सारा ठेकेदारों के खिलाफ, वहाँ जो लोग काम हमारे ठेकेदार भाई काम करते हैं REW में, IWMP एक प्रोजेक्ट है उसमें, उस वाटरशेड में उसमें ठेकेदारों ने काम किया है पाडर इलाके में, तो वहाँ 100% लोगों ने ठेकेदारों ने 100% काम कंप्लीट किया है, लेकिन जेईज जो वहाँ काम करते हैं उन ठेकेदारों के साथ, जेईज जिनको वहाँ अपॉइंट किया गया है सरकार ने, वो कहते हैं उनको कि हम आपको फाइनल बिल नहीं बना कर देंगे, आपको खाली फर्स्ट सीसी बिल मिलेगा, उसके बाद बाकी जो है सेकंड सीसी या फाइनल बिल तब मिलेगा। वो आप समझ सकते हैं कि वो किन चीज़ों की डिमांड उन ठेकेदारों से करते हैं, हरासमेंट करते हैं ठेकेदारों की, वो आप समझ सकते हैं कि वो क्या मांग रहे हैं ठेकेदारों के साथ। ये हरासमेंट है ठेकेदारों की, ना किसी REW में या IWMP प्रोजेक्ट में काम किया है। REW में कुछ ठेकेदार हमारे काम करते हैं, वहाँ भी उनको 15% कमीशन की डिमांड करते हैं, हमें GST भरना होता है, हमें टैक्सेस भरने होते हैं, हमें मटेरियल यहाँ जो खरीद कर लेना पड़ता है, बैंक से हमारे ठेकेदार लोन निकालते हैं, दुकानदारों से मटेरियल उधार लेते हैं, उसके बाद हम किश्तवाड़ की डेवलपमेंट में ठेकेदारों का बहुत बड़ा रोल रहता है। किश्तवाड़ की डेवलपमेंट अगर हो रही है वो ठेकेदार अपने पैसे से कर्जा उठाकर, घर का पैसा लगाकर, बैंक से लोन निकाल कर वो करते हैं और यहाँ की डेवलपमेंट करते हैं। किश्तवाड़ की अगर यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन बुलंदबाग दावा करती है कि यहाँ डेवलपमेंट हो रही है, अपना नाम आगे ला रहे हैं, लेकिन उसमें ठेकेदारों का बहुत बड़ा रोल होता है, वो घर का पैसा लगाते हैं और यहाँ की डेवलपमेंट में उनको वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस सिलसिले में ये जो IWMP प्रोजेक्ट है, ये जाकरवानी जो यहाँ असिस्टेंट कमिश्नर प्रोजेक्ट है, कल मैंने उनको कॉल किया था, उन्होंने कॉल वो फोन कॉल नहीं उठाई हमारी, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा है वो पैसा अगर वो क्यों नहीं मंगवा रहे हैं ठेकेदारों के लिए पैसा, अगर 100% काम वहाँ ठेकेदारों ने किया है उनको वहाँ क्यों हरास किया जाता है जेईज के द्वारा, जेईज उनको क्यों हरास करते हैं, क्यों उनको फाइनल बिल नहीं बनाकर दे रहे हैं, वो क्यों खाली फर्स्ट सीसी की बात करते हैं वहाँ IWMP प्रोजेक्ट में जो है। जाकरवानी साहब को ये देखना पड़ेगा, नहीं तो हम ये समझेंगे कि वो जेईज जो है, ये जाकरवानी और जेईज जो है ये एक ही थाली के चट्टे बटे हैं और ये सभी लोग मिलकर ठेकेदारों को हरास कर रहे हैं, ये चीजें हम कतन बर्दाश्त नहीं करेंगे। जहां तक रहा सवाल REW का, उसमें आप देखिए त्रगाम ब्लॉक में हमारा है, वहां हमारा ठेकेदार भाई काम करता था,
हम पिछले जो यहाँ एडीडीसी साहब थे उनसे भी हम मिले थे उस मसले में, वहां का जो एक पंचायत सेक्रेटरी है उस ठेकेदार ने जब वहां काम कंप्लीट किया तो जो ठेकेदार इंतजार कर रहा था कि मुझे पेमेंट होगी, तो वो पंचायत सेक्रेटरी उसको बोलता है कि नहीं मैंने बिल अपने पास रखा था घर में क्योंकि आप मेरे साथ मिले नहीं। ये मिलने का क्या मतलब है, क्यों नहीं मिले भाई, तुझे क्या मिलने कर करना था? अगर ठेकेदार ने कंप्लीट काम किया तो आपका काम है जेई का काम है मेजरमेंट करना, आपका काम है बिल सबमिट करना। तो हमने वहां की जो वीडियो साहिबा थी उससे भी मैंने खुद दो दफा उससे टेलीफोन पर बात की, हमने एडीडीसी साहब से बात की, उसमें जावर साहब मेरे साथ थे और भी कुछ साथी लोग थे और मीडिया की तरफ से आप भी वहां उस वक्त कुदरती मौजूद थे एडीडीसी के पास, तो वहां तय हुआ था कि ये जो इन्होंने काम किया है वो उसकी हम पेमेंट करेंगे, लेकिन अभी तक नहीं वो पेमेंट हो रही है। तो ये जो है ये चीजें हैं जो है कंट्रेक्टर एसोसिएशन को इस तरह इसीलिए यहाँ ऑर्गेनाइज किया गया है कि ये ठेकेदारों की जो है जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व किया जाएगा। ठेकेदारों को जो मतलब पेची का भी कोई मसला है, परसों मुझे कल ठेकेदार कुछ बोल रहे थे, वहां उन्होंने काम कंप्लीट किया है और जे ही उनको बिल नहीं बना रहे हैं, वो मैंने एक्शन साहब को टेलीफोन ही कल ही मैंने उनसे बात की। आने वाले दिनों में अपनी हम मुहिम को तेज करेंगे और अगर हम काम करते हैं ठेकेदार काम करता है तो जेई साहिबान बिल नहीं बनाते हैं, वो डिले करते हैं, उसके बाद आखिर में ट्रेजरी में हमारा फंस जाता है। अभी तक जो ट्रेजरी में हमारे बिल पड़े हैं अभी तक वहां पेमेंट नहीं हो रही है और सरकार एक तरफ से दावा करती है कि नहीं जी डेवलपमेंट हो रही है, लोगों को पैसा मिल रहा है, लेकिन जमीनी सतह पर जो है ठेकेदार परेशान है, चाहे वो पीएमजीएसवाई का डिपार्टमेंट हो, चाहे वो आरईडब्ल्यू का मसला हो, पीडब्ल्यूडी का मसला हो, ये जल शक्ति का मसला हो, तो ये सब चीजें जो है इसीलिए एसोसिएशन को यहाँ ऑर्गेनाइज किया गया ताकि ठेकेदारों के जो मसाइल हैं उनको उजागर किया जाएगा। और हम सरकार से गुजारिश करेंगे ये जो जेई साहिबान है खासकर आरईडब्ल्यू में टेक्निकल असिस्टेंट जो वहां है उनके पास कोई डिग्री नहीं है, उनके पास कोई डिग्री नहीं है, उनको पंचायतों में रखा गया इंचार्ज, वो जवाबदेह है ही नहीं, ना उनकी कोई सर्विस बुक है, ना उनको कोई पूछ सकता है, वो अननेसेसरी हरास करते हैं ठेकेदारों को जो वहाँ ठेकेदार हमारे काम करते हैं। तो दस दस पंद्रह पंद्रह सालों से वो वहाँ बैठे हैं एक एक पंचायत में, दस दस बीस बीस सालों से बैठे हैं, उनको कोई नहीं हटा रहा है। ये सब चीज़ें लेकर हम जिला एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाएंगे तो आने वाले टाइम में जो है मैं ठेकेदार जो हमारे उस बरादरी से गुजारिश करूँगा आने वाले टाइम में हम मेंबरशिप यहाँ करेंगे, मेंबरशिप करने के बाद एक तश्कील देंगे इस पूरी बॉडी को और आने वाले दिनों में अपना काम तेज करेंगे। शुक्रिया।